नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव राय एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल नॉलेज एकेडमी में। और आज हम लोग बात करेंगे सीडीपी के नेक्स्ट चैप्टर मोटिवेशन, ओके, यानी अभिप्रेरणा के बारे में। और यहां हम बात करेंगे कि इनकी परिभाषाएं, कि हम मोटिवेशन की परिभाषा क्या होता है, क्या होता है मोटिवेशन, इसकी मीनिंग क्या है, इसकी विशेषता, इसके प्रकार, उसके सिद्धांत, ओके, जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके रिलेटिव एग्जाम में आते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो वीडियो पे नए हैं जल्दी से वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके सीटेट यूपीटेट रिलेटेड जो जितने भी क्वेरी हैं वो सब के सब यहाँ पे फुलफिल हो सके। साथ ही साथ इसमें याद रखिएगा क्वेश्चन में भी मैं आपके लिए डालता हूँ, उसको भी आप देखा करिए, ठीक, ताकि आपको एक एक करके धीरे धीरे आपके सीटेट और यूपीटेट से रिलेटेड क्वेश्चन, सुपर टेट से भी रिलेटेड क्वेश्चन आपके फुलफिल हो सके। ओके, तो चलिए हम लोग बात करते हैं अभिप्रेरणा के बारे में। जो वीडियो पे नए हैं कर लीजिए सब्सक्राइब, और जो हैं वो पूरा वीडियो देखिएगा, समझने का प्रयास करिएगा कि क्या क्या है, कैसे है मोटिवेशन और इससे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं क्या है मोटिवेशन। तो मोटिवेशन लैटिन शब्द मोटिव से बना है, मोटिवेशन लैटिन शब्द मोटिव से बना है जिसका अर्थ होता है मूव ऑन या इनसाइट ऑफ एक्शन, ठीक है। मूव ऑन मतलब आगे बढ़ना, इनसाइट ऑफ एक्शन यानी गति प्रदान करना, ठीक, यानी हम बच्चों को मोटिवेट करते हैं अपने काम के लिए ताकि वो और अच्छा, और भी अच्छा और बेहतर कर सके, एज ए गार्जियन भी, एज ए टीचर भी, ठीक। तो हम लोग यही कोशिश करते हैं कि बच्चे जो हैं वो और आगे बढ़ सके अपने क्षेत्र में, अपनी क्षमता के अनुसार अपनी चीजों को और आगे बढ़ा सके। इसलिए मूव ऑन यानी आगे बढ़ना, इनसाइट ऑफ एक्शन गति प्रदान करने के लिए जो कार्य करवाए जाते हैं वही है क्या मोटिवेशन। ओके, डेफिनेशन देखते हैं गिलफोर्ड के अनुसार क्या कहते हैं कि अभिप्रेरणा एक आंतरिक दशा कारक है, याद रखिएगा एक आंतरिक दशा कारक है यानी अंदर से उठने वाली बात है, आंतरिक दशा कारक है जिसकी प्रवृत्ति कार्य को आरंभ करने की है, याद रखिएगा कार्य को आरंभ करने और बनाए रखने की है, यानी सिर्फ स्टार्ट नहीं करना उसे आगे की तरफ बनाए भी रखना है, ये भी कार्य किसका है गिलफोर्ड का। ओके, तो क्या कहते हैं एक आंतरिक दशा कारक है यानी हम अंदर से महसूस करते हैं, एक आंतरिक दशा है जो हमें आगे के बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, आरंभ करने के लिए प्रेरित करता है और साथ साथ उस चीज को बनाए रखने के लिए भी प्रेरित करता है। आरंभ करना स्टार्ट है, उसको बनाए रखना बहुत ही टफ वर्क है क्योंकि एक बार जोश में आके स्टार्ट तो करता है इंसान, फिर धीरे 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 उसको छोड़ता चला जाता है, ठीक है। तो ये चीज है कि कार्य को आरंभ भी करना है और साथ साथ उस चीज को बनाए रखना है, ये अभिप्रेरणा है। इसलिए मोटिवेशन बहुत जरूरी है, इसलिए हमें जो चाहिए होता है हम उसका गोल, जो पिक्चर्स है वो अपने सामने रखते हैं ताकि डेली वो देखें और डेली देख के वो हमें मोटिवेट करता रहे। ओके, चलिए दूसरा सीखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है, ये रिपीटेड में बार बार आता है, अभिप्रेरणा सीखने के लिए राजमार्ग है, ठीक है। किसने कहा था? स्किनर ने, ठीक है। मोटिवेशन क्या है? एक नेशनल हाईवे है लर्निंग के लिए, यानी अधिगम के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग है, इसी पे चढ़ के हम अधिगम तक पहुंच सकते हैं, सीखने तक पहुंच सकते हैं और कुछ नया लर्निंग कर सकते हैं, यानी कुछ भी हो जाए अधिगम को पाने के लिए अभिप्रेरणा बहुत जरूरी है, कुछ सीखने के लिए मोटिवेशन होना बहुत जरूरी है, मोटिवेट रहना बहुत जरूरी है, तभी हम कुछ नया सीख पाएंगे। ओके, और लास्ट है बुद्धि के अनुसार कि प्रेरणा आरंभ करता है, जारी रखता है और साथ साथ नियमित भी करता है, कंट्रोल भी रखता है कि किस तरीके से उस प्रक्रिया को और भी बेहतर ढंग से पाया जा सके। ओके, कंट्रोल भी रखता है, याद रखिएगा, ताकि आप एक सीरियल वाइज तरीके से आप काम कर सको। जैसे आप मोटिवेट हो, एक ही दिन 10 घंटा बैठ के पढ़ लिया, ठीक है, दो दिन सो रहे थक के, तो ये काम नहीं, एक कंटिन्यूटी होनी चाहिए, यानी 2 घंटा 3 घंटा रेगुलर अगर पढ़ रहे हैं तो उसका इफेक्ट 10 घंटे एक दिन पढ़ने से ज्यादा होता है। ओके, तो क्या करना है, एक नियमित वे में यहाँ पे कार्य करना है। कौन बोला? गुड ने। तो इस तरह की परिभाषा भी पूछे जाते हैं। ओके, इस तरह से भी आ सकता है अभिप्रेरणा सीखने के लिए राजमार्ग है, किसने कहा था? तो क्या होगा? स्किनर ने कहा था, ठीक। तो ये बात तो परिभाषा से ही, और क्या होता है, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि अभिप्रेरणा के प्रकार कौन कौन से हैं, क्या है प्रकार, टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। ओके, प्रकार देखते हैं हम लोग, तो प्रकार जो है मोटिवेशन वो दो प्रकार के हैं, ठीक, आंतरिक और बाह्य। कौन कौन से प्रकार है?
आंतरिक यानी इंटरनल मोटिवेशन और दूसरा है बाय यानी एक्सटर्नल मोटिवेशन। देखो इंटरनल मोटिवेशन जो है वो सबसे बेस्ट मोटिवेशन है जिसे मनोदैहिक मोटिवेशन भी कहते हैं यानी मनोदैहिक अभिप्रेरणा भी कहते हैं, जो अपने अंदर से निकलता है। और साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि सबसे बेस्ट जो मोटिवेशन है वो यही है इंटरनल मोटिवेशन। ठीक, क्योंकि यही जो चीज है जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकता है। टीचर लाख कहे कि बेटा पढ़ लीजिए लेकिन तब तक बच्चा नहीं पढ़ेगा जब तक उसकी खुद की इच्छा नहीं करता। ठीक, तो ये चीज है। तो बाह्य अभिप्रेरणा से कहीं ज्यादा बढ़ के जो मोटिवेट करता है वो है आपकी आंतरिक अभिप्रेरणा। ठीक, जैसे आदर्श, लक्ष्य, सहयोग, ये सब जो चीजें हैं वो क्या है, आंतरिक अभिप्रेरणा है। सम्मान एक आंतरिक अभिप्रेरणा है, बाह्य नहीं याद रखिएगा। ठीक है, सम्मान क्या है, भारत रत्न पुरस्कार, पद्मभूषण पुरस्कार, ये सम्मान है। और सम्मान मतलब आंतरिक पुरस्कार। ठीक, आंतरिक मोटिवेशन। वही चीज जो बाह्य पुरस्कार हो, ठीक है, या पुरस्कार अगर कोई दे रहे हैं या दंड दे रहे हैं, ये भी एक बाह्य अभिप्रेरणा के तहत आता है। याद रखिए कि यहाँ पे भी और भी टाइप में हम लोग पढ़ते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। सकारात्मक वो जो आपको आगे की तरफ बढ़ाने के लिए काम करे, दंड एक तरह का नकारात्मक मोटिवेशन है जो आपको काम को छोड़ने के लिए प्रेरित करे। ओके, सुपर टेट में जीवन कौशल में हम लोग एक चैप्टर है दंड और पुरस्कार, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं पुरस्कार का क्या तरीका होता है, क्या व्यवहारिक तरीका होता है, दंड कैसे दिया जाता है, क्या क्या सावधानियां बरतनी होती है, ये सब चीजें पुरस्कार और दंड के लिए होता है। तो हम लोग जब पढ़ेंगे सुपर टेट के लिए वहां पढ़ाएंगे पुरस्कार और दंड के लिए क्या क्या होता है। ठीक, तो यहाँ पे पुरस्कार और दंड क्या है, बाह्य मोटिवेशन है, बाहर से दिया जाता है। ठीक है, कोई भौतिक चीजें हो गई, जो ऐसी चीजें जो बच्चों को मोटिवेट करता है, तो वो खासकर अगर छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए बाह्य अभिप्रेरणा जरूरी है। अगर मान लो हम उनको सर्टिफिकेट दे रहे हैं, ठीक, तो सर्टिफिकेट की उतनी वैल्यू छोटे बच्चे नहीं करेंगे। वहीं पे अगर कोई गिफ्ट दे रहे हैं तो उसकी वैल्यू होगी, हाँ मुझे ये गिफ्ट मिला है। तो वो भी डिपेंड करता है कि एज ग्रुप क्या है, किस तरह के बच्चे हैं, किस तरह का पुरस्कार देना उचित है। ठीक, तो पुरस्कार और बाह्य अभिप्रेरणा के प्रकार देखें तो दो प्रकार है, आंतरिक और बाह्य। ठीक है, आंतरिक मनोदैहिक कारक होता है और इसमें पुरस्कार बाह्य तरीके से दिया जाता है। ठीक है, अक्सर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं कि बताइए जो लक्ष्य है वो किस तरह का अभिप्रेरणा है। तो लक्ष्य क्या बताएंगे हम, कि लक्ष्य जो है वो आंतरिक अभिप्रेरणा है। जीवन कौशल में भी एक चैप्टर है तो वहां पर भी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ओके, सुपर टेट में भी डन, याद रहेगा। तो ये थे क्या प्रकार। अब हम बात करते हैं सिद्धांत, अभिप्रेरणा के सिद्धांत, क्योंकि क्वेश्चंस बार बार आते हैं अभिप्रेरणा के सिद्धांत से, कौन कौन से सिद्धांत है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है क्षेत्र सिद्धांत, क्षेत्र सिद्धांत, फील्ड थ्योरी, क्षेत्र सिद्धांत। ठीक है, किसका है, कार्ल लेविन का, कई बार पूछा है, यूपी टेट में भी पूछा है। ठीक, कार्ल लेविन का सिद्धांत याद रखिएगा, जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं और सीजन यूपी टेट और सुपर टेट तीनों के लिए भी रिलेवेंट है, यानी सुपर टेट में जीवन कौशल में चैप्टर है। ओके, और यूपी टेट और सीजन में तो हाई है, आप सबको पता ही सिलेबस। तो यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन है। तो क्षेत्र सिद्धांत कई बार पूछा जा चुका है, किसने दिया, कार्ल लेविन ने, किसने दिया, कार्ल लेविन ने क्या दिया है, B=FP×E। ठीक है, बी मतलब व्यवहार, ये अक्सर फॉर्मूला इधर उधर करके पूछ लिए जाते हैं, व्यवहार। एफ मतलब फील्ड यानी क्षेत्र, पी मतलब साइकोलॉजिकल पर्सन यानी मनोवैज्ञानिक मानव। ये भी क्वेश्चन आया है कि किस मनोवैज्ञानिक साइंटिस्ट ने, किसने इंसानों को, मानव को मनोवैज्ञानिक मानव करके पुकारा है, तो याद रखिएगा कार्ल लेविन ने। ठीक, और ये मतलब एनवायरमेंट यानी वातावरण। ठीक है, क्या कह रहा है, वातावरण यानी व्यवहार, क्षेत्र मनोवैज्ञानिक मानव, वातावरण बिहेवियर फील्ड साइकोलॉजिकल पर्सन एनवायरमेंट। ठीक, अब क्या समझिए इस चीज को, क्या कहता है कि कोई भी मनोवैज्ञानिक मानव जब किसी वातावरण में प्रवेश करता है तो वहां का क्षेत्र बदल देता है, वहां का क्षेत्र चेंज कर देता है। जैसे ही वहां का क्षेत्र चेंज करता है वहां के लोगों का व्यवहार चेंज हो जाता है। ओके, क्या कह रहा है, जब कोई मनोवैज्ञानिक मानव किसी वातावरण में प्रवेश करता है तो वहां के लोगों का, वहां के क्षेत्र को चेंज कर देता है, वहां के जो क्षेत्र है वो एरिया है उसको बदल के रख देता है, और जैसे ही बदलता है वहां के लोगों का व्यवहार भी चेंज हो जाता है।
ओके समझिए इस चीज को, अगर कोई सोसाइटी है, गंदी सोसाइटी है, वहां पे बहुत ज्यादा कूड़ा कचरा हो रहा है, वहां पे कोई नया व्यक्ति आता है और उसे लगता है कि यहाँ पे गंदगी हो रही है, तो उसने वो क्या करता है, एक दिन रुकता है और सफाई करना शुरू कर देता है। ठीक, एक दिन करता है, दूसरी बार फिर स्टार्ट करता है, तीसरी बार सबको लगता है कि यार क्षेत्र तो बड़ा सुंदर लग रहा है, वहां पे काफी साफ सुथरा है, चलो हम भी करके देखते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब वो करने स्टार्ट होता है तो सब लोग भी वहां पे यार चलो भाई हम भी करते हैं, आप अकेले क्यों करोगे। ठीक, तो इस तरह से कई लोग मिल जाते हैं और वहां का जो व्यवहार है वो चेंज हो जाता है और लोग साफ सुथरा रहना पसंद करते हैं। इसी तरह हर जगह बहुत सारे चेंजेस होते हैं, बहुत जगह जगह पे चेंजेस होते हैं। ठीक है, यानी कोई ना कोई इंसान बीच में आता है और सबके व्यवहार को चेंज कर देता है धीरे धीरे, या देखिएगा धीरे धीरे, अचानक चेंज करेगा लड़ाइयां शुरू हो जाएंगी। इसीलिए चेंज होने के प्रोसेस होते हैं। इस प्रोसेस को भी इन्होंने अपने एक सिद्धांत में बताया है जिसे थ्री फेज सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, थ्री फेज थ्योरी कहते हैं। थ्री फेज थ्योरी में इन्होंने तीन भाग को बांटा है। ठीक है, फ्रिजिड फ्रिजिड अनफ्रिजिड और चेंज, फ्रिजिड अनफ्रिजिड और चेंज में इन्होंने बांटा है। फ्रिजिड मतलब वो भाग जहां पे इंसान बदलने की कोशिश नहीं करता है, ठीक, उस जगह को फ्रिजिड कहते हैं। अनफ्रिजिड में धीरे धीरे वो चेंज स्वीकार कर लेता है और लास्ट में वो चेंज हो जाता है। ओके, जैसे हम लोग घर से बाहर रहते हैं तो पहली बार बुरा लगता है कि नहीं यार अच्छा नहीं लग रहा है, यहाँ हो नहीं रहा है, दोस्त नहीं है, मित्र नहीं, बिल्कुल चेंज होना पसंद नहीं करते, फिर धीरे 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 अच्छा लगने लगता है और लास्ट में बिल्कुल चेंज हो जाते हैं। फिर गाँव जाते हैं तो बुरा लगता है, ठीक है, टाइम नहीं पास होता और बहुत सारी चीजें ऐसी हो जाती है। ठीक है, तो ये चीजें क्या है, धीरे धीरे चेंज होने लगते हैं, यानी अचानक से चेंज नहीं होते, लेकिन हम धीरे 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 हम लोग चेंज होने के प्रोसेस में होते हैं और लाइफ चेंजिंग का पार्ट है। ठीक, तो किसने समझाया था ये, कर्ट लेविन ने, क्षेत्र सिद्धांत, याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्धांत है ये क्षेत्र सिद्धांत। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग मनो विश्लेषण सिद्धांत, यानी सिगमंड फ्रायड का है। ठीक है, कौन सा सिद्धांत है, मनो विश्लेषण सिद्धांत। इसमें एक बकेट लेते हैं जिसमें एक आइस डालते हैं और इस आइस में जो चीजें ऊपर होती है यानी दिख रही होती है उसे कहते हैं चेतन। ठीक है, क्या कहते हैं, चेतन, यानी कॉन्शियस माइंड, जो चीजें पार्शियल दिख रही होती है उसे कहते हैं अर्धचेतन, यानी सबकॉन्शियस माइंड, और जो चीजें दिखी नहीं रही होती है वो होता है अचेतन, यानी अनकॉन्शियस माइंड। ठीक है, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड, और ये बताते हैं कि हमारा अनकॉन्शियस माइंड 3/4 है जिसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं, हमें पता ही नहीं है कि क्या होता है ये। ठीक, और कहते हैं कि जो 1/2 है, यानी जो भी परसेंटेज है, जो चीज हमें दिखता है वो है चेतन, यानी जो साइंस पढ़ता है वो है चेतन, अर्धचेतन जो साइकोलॉजी पढ़ता है, ठीक, और अचेतन जिसके बारे में कोई नहीं पढ़ता, बस गेस कर सकता है, यानी साइकोलॉजी व्यू से समझने का प्रयास करता है कि अचेतन। ओके, और ये अचेतन ही क्या करता है, चेतन को प्रभावित करता है, यही अनकॉन्शियस माइंड कॉन्शियस माइंड को प्रभावित करता है कि भाई ये कौन सा बला है, क्या विधि है, ये क्या है, ये चेतन मन। ओके, तो ये कौन सा है, ये है कॉन्शियस माइंड को प्रभावित करता है, 3/4 जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं है, यही है जो मोटिवेट करता है, यानी हमें पता ही नहीं है उस अचेतन मन के बारे में, कॉन्शियस माइंड के बारे में। ओके, यानी कहीं हमें जाना हो, अगर 4 बजे की ट्रेन हो, हमें 3 बजे अलार्म लगा रहा है, अलार्म से पहले जो है वो हमारा अपनी नींद खुल जाएगी, तो नींद कहाँ से खुलेगी, ये अचेतन मन जगाएगा, जब जब बेटा ट्रेन है, एग्जाम है, पेपर है, हर तरीके से आपको मोटिवेट करेगा, ये जो मोटिवेट करेगा ना वो हमारा अचेतन मन है जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। अचेतन मन कभी कभी डबल कैरेक्टर पढ़ते हैं हम लोग साइकोलॉजी में, डबल कैरेक्टर के दूसरे कैरेक्टर में इतना ताकत कहाँ से आ जाता है, ये ताकत है हमारे अचेतन मन में। ठीक, यानी हमारे अंदर इतनी क्वालिटीज है वो डिपेंड करता है हमारे अचेतन मन में, और वो कैसे आएगा ये चीजें, अभी सोचो आइंस्टाइन जैसे लोग, विवेकानंद जैसे लोग, इतने बुद्धिमान लोग भी अपने बुद्धि का 2-3% यूज करते हैं। ठीक, इतने परसेंट कम यूज करके भी इतने बड़े हो जाते हैं, तो हम लोग तो 1% से भी नीचे वाले हैं, 0.00% में है। ठीक है, और हम लोग सोचते बहुत बुद्धिमान है, पहले सोचो, उसको बढ़ाओ, उसकी चीजों को बढ़ाओ। ठीक है, यानी अचेतन मन को बढ़ाओ, ये बढ़ेगा तो चेतन ऑटोमेटिक बढ़ेगा। ओके, तो ये चीजें हैं। ठीक है, कभी कभी कुछ बच्चे की कैचिंग पावर बहुत तेज होती है, कैचिंग पावर, ये देखा है कैसे होता है, चेतन से नहीं अचेतन से, कुछ बच्चे तो वहीं पे होते हैं जिनका कैचिंग पावर कम हो जाता है, डिपेंड ये करना है उसकी कैचिंग पावर बढ़ाने के लिए चेतन नहीं अचेतन पर जोर डालना है, वो अगर बेस्ट होगा ऑटोमेटिक सब कुछ बेस्ट होगा। ओके, तो ये कौन बता रहा है, सिगमंड फ्रायड मनोविश्लेषण सिद्धांत में,
कि अनकॉन्शियस माइंड कॉन्शियस माइंड को मोटिवेट करता है आगे की तरफ काम करने के लिए। हम कहते हैं चोट लगेगा तब जानेगा, चोट कहाँ लगेगा, यहाँ नहीं यहाँ, इसको चोट लगेगा तब आपको समझ में आएगा और फिर आपको सोने नहीं देगा। ठीक, तो ये क्या है, अचेतन मन। यही मर्म जैसा सिद्धांत के तहत सिग्मंड फ्रायड एक और सिद्धांत बताते हैं, हालांकि वो व्यक्तित्व में पढ़ते हैं लेकिन हम लोग बता देते हैं क्योंकि क्वेश्चन इससे बार बार आता है, ईगो सुपर ईगो। ठीक है, इड ईगो और सुपर ईगो, इड मतलब इदम अहम पराहम पराहम। ठीक है, इदम यानी आनंद का नियम कहते हैं इसे, आनंद का नियम कहते हैं इसे, वास्तविकता का नियम कहते हैं और इसे नैतिकता का नियम कहते हैं। ये हमेशा से यूपीएससी के पसंदीदा क्वेश्चन में रहा है। ओके, हमेशा क्वेश्चन पूछता है। तो इदम यानी आनंद, यानी किसी भी कंडीशन में आनंद पाना चाहते हैं, किसी भी कंडीशन में खुश रहना चाहते हैं, चाहे वो अच्छा काम हो या बुरा काम। ओके, कोई खुश हो रहा है, कोई रो रहा हो, उससे मतलब नहीं, हमें आनंद लाना चाहिए। इड की प्रवृत्ति ऐसे होती है, एक समय के बाद सहसा अवस्था में इड की प्रवृत्ति पाई जाती है, सहसा अवस्था के बाद अगर इड की प्रवृत्ति पाई जाती है तो डेंजरस कहलाती है। ठीक, दूसरा ईगो जो कि वास्तविकता है, जो कि कर्म करता है, वास्तविक कर्म करता है, और तीसरा है पराम यानी नैतिकता, ये हमेशा नैतिकता यानी मोरल एथिक्स पे ही चलता है, मोरल एथिक्स के अलावा ये काम नहीं करता है। ओके, यानी हमेशा अपने आप को समाज के ढंग पे रखते हुए काम करता है। ईगो जो है वो सुनता है दोनों की बातें, जब भी हम कोई बात करते हैं तो हमारे दिमाग में द्वंद्व चलता है, ये द्वंद्व इन्हीं ईगो और सुपर ईगो के बीच में चलता है। भाई मन का विश्लेषण कर रहे हैं ना हम लोग, तो क्या कर रहा है, यही इड और सुपर ईगो के मन के जो द्वंद्व है इसी में होता है, और हम ईगो जो सोच रहा होता है किसकी सुने। ठीक है, कहता है इड कहता है कर्म करो बड़ा मजा आएगा, सुपर ईगो कहता है नहीं भाई मत करो यार ये समाज के खिलाफ है। ठीक, अब हम डिपेंड करता है कि हमें क्या करना चाहिए, इसकी सुने या इसकी सुने। अगर हम इसकी सुनते हैं तो ये धीरे धीरे गायब हो जाता है, अगर हम इसकी सुनते हैं तो ये धीरे धीरे गायब हो जाता है। ठीक, यानी वो हट जाता है, भैया जब उसी को करना वही करो। तो धीरे धीरे हम लोग नैतिकता के पालन के आधार पर काम करना शुरू कर देते हैं। हम जिसकी सुनते हैं, सपोज कीजिए हम इसकी सुन रहे हैं, यही नैतिकता धीरे धीरे इस अचेतन मन में हावी होने लगता है और ये अचेतन मन चेतन को प्रभावित करता है, हम उसी तरह के व्यक्तित्व तो कहे जाते हैं, हमारी पर्सनैलिटी वही बन जाती है। तो यही मंदार आदमी है, हर चीज नैतिकता के आधार पर काम करते हैं। ओके, तो ये किसका सिद्धांत था, मनोविश्लेषण सिद्धांत, सिग्मंड फ्रायड, टेट सुपरटेट और सीजे, तीनों के लिए बड़ी पसंदीदा लोग हैं ये, तो याद रखिएगा सिग्मंड फ्रायड। ओके, चेतन अर्धचेतन और अचेतन, साथ ही साथ इड ईगो और सुपर ईगो जैसे कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया है। चलिए नेक्स्ट है मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ को टेंडेंसी, थ्योरी ऑफ को टेंडेंसी किसने दिया, मैकडूगल ने, मैकडूगल ने। ठीक है, मैकडूगल ने दिया है मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत कि हमारे अंदर जो भी क्रियाएं घटित होती है वो हमारी मूल प्रवृत्ति कहलाती है। ठीक है, यानी जो भी हमारे अंदर प्रेरक शक्ति कार्य करती है, मोटिवेटेड वर्क एक्शन वर्क होता है, वही हमारा क्या है, मूल प्रवृत्ति है। याद रखिए इन्होंने 14 मूल प्रवृत्ति बताए हैं, कितने बताए, 14 मूल प्रवृत्ति बताए हैं, साथ साथ 14 संवेग भी बताए हैं। ओके, यानी 14 मूल प्रवृत्ति और 14 संवेग इन्होंने बताया है, याद रहेगा। अब इस मूल प्रवृत्ति और संवेग को हम संवेग वाले चैप्टर में पूरा कवर करेंगे, पूरा दिखाएंगे आपको कि कितने 14 हैं, कौन कौन से हैं और कौन कौन से डेट में आया हुआ है इससे पहले। ठीक है, उन सबको नेक्स्ट वीडियो जो हम संवेग का बनाएंगे उसमें इस 14 के बारे में, यानी 14 जितने भी मूल प्रवृत्ति ने बताया है उन सब के बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए याद देखिएगा हमारे अंदर जो प्रेरक शक्ति है वही हमारी कोर टेंडेंसी है। नेक्स्ट, अपेक्षा का सिद्धांत, अपेक्षा का सिद्धांत दिया विक्टर वरुण, विक्टर वरुण ने। ठीक है, विक्टर वरुण यानी अपेक्षाएं हमें किससे रखनी है, अपने आप से। अगर हम अपने आप से अपेक्षाएं रखते हैं, अगर उससे हम काम करते हैं तो ये हमारे लिए हमेशा से कारगर साबित होता है और हम हमेशा जीतते हैं। यानी जो भी चीज रखना है हमें अपने ऊपर अपेक्षाएं रखनी है, दूसरे ऊपर नहीं। अगर दुख तकलीफ चीज करना हो तो दूसरे के ऊपर अपेक्षाएं रख लो। ठीक, कि मेरा बर्थडे है, मेरा सालगिरह है, आज याद होगा, आज केक खाएगा, ये करेगा वो करेगा। ठीक, और शाम तक भूल गया तो
एक पाव खून सुखा दिए हम, ठीक। इसलिए आप ध्यान ही मत दो, आप अपने ऊपर अपेक्षा रखो, दूसरे के ऊपर नहीं, अपने ऊपर को आगे बढ़ोगे। यानी हमें ये करना है, बस ये करना है, ये सोचो, ठीक। दुख उठाना है तो दूसरे के ऊपर रखो, ठीक है। तो क्या करना है, हमें सिर्फ अपने ऊपर अपेक्षा रखनी है कि हमें ये करना है तो करना ही है, यही अपेक्षा का सिद्धांत कहता है, ठीक। किसने दिया, विक्टर वरू ने, ठीक। नेक्स्ट सिद्धांत जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है वो है मैस्लो, ठीक। मैस्लो आवश्यकता एवं मांग का सिद्धांत, ठीक है, आवश्यकता या मांग का सिद्धांत, ठीक। डिमांड थ्योरी या नीड थ्योरी, ठीक है, नीड थ्योरी या डिमांड थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आया है टेट में, याद रखिएगा, टेट के दोनों ही पैटर्न में, सीसेट हो या यूपी टेट हो, दोनों ही पैटर्न में इससे क्वेश्चंस 100% रहे हैं, ओके। इन्होंने अपने सिद्धांत को 5 भागों में बांटा है, ठीक है, 5 भागों में बांटा है, यानी ये नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, ठीक। तो सबसे पहला जो सिद्धांत है वो आवश्यकता का सिद्धांत, सॉरी ठीक है, दैहिक आवश्यकता, दैहिक आवश्यकता या शारीरिक आवश्यकता कहते हैं इसे, दैहिक आवश्यकता यानी जो चीज हमें भूख प्यास निद्रा ये हमारी क्या है, दैहिक आवश्यकता है, वो शारीरिक आवश्यकता या दैहिक आवश्यकता या फिजिकल नीड कहते हैं इसे। दूसरा है सुरक्षा की आवश्यकता, यानी दूसरे में क्या चाहिए, सुरक्षा चाहिए कि भैया हमें सिक्योरिटी चाहिए, बच्चा थोड़ा बड़ा होता है और अगल बगल अपने बड़ों के संगति में रहना पसंद करता है क्योंकि उसे चाहिए सुरक्षा, ठीक है, सिक्योरिटी, हमेशा अपने मम्मी पापा भाई बहन यानी दादा दादी इसी के संगति में रहेगा, दूर नहीं जाएगा, मम्मी परेशान नहीं, जाओ खेलो बच्चों में, खेलो जाओ खेलो, जाता नहीं है, क्यों, क्योंकि उसकी नीड, उसका डिमांड क्या, सुरक्षा की, और वो इसीलिए अपने बड़ों की संगति में हमेशा रहता है, ठीक। थोड़ा बड़ा होता है और उसकी जो नीड होती है वो सामाजिक हो जाती है, यानी हमेशा बड़ा बड़ा होकर सुरक्षा नहीं समाज होता है, उसके बाद दोस्त होने चाहिए, प्यार प्रेम स्नेह ये सब जो चीजें हैं वो धीरे धीरे घर करने लगती है और बच्चा घर में कम बाहर ज्यादा पाया जाता है, ओके। इस एज में बच्चा कहीं भी जाए दुनिया किसी कोने में वो दोस्त बना लेता है, ओके। तो ये चीजें हैं, तो सामाजिक आवश्यकता है, उसके बाद जब बच्चा थोड़ा और बड़ा होता है तो सम्मान की आवश्यकता चाहिए, यानी उसे सम्मान चाहिए, उसका नीड है, ठीक है, उसका डिमांड है, उसे सम्मान चाहिए। जब बच्चा बड़ा होता है उस वक्त मारते पीटते नहीं, उसे सम्मान देते हैं, घर में भी उसकी एक अलग जगह एक अलग पहचान बनाने की कोशिश करते हैं, करना भी चाहिए। ये किशोरावस्था वाली समय होती है जब बच्चे को हम डांटते फटकारते रहते हैं, एक्चुअली में नहीं करना चाहिए क्योंकि उसका भी अपना एक वजूद होना चाहिए, जब वो मिलता है तो धीरे धीरे वो और ग्रो करता है, ठीक। तो ये सम्मान की आवश्यकता है, उसके बाद हम आत्मसिद्धि की आवश्यकता में पहुंच जाते हैं। आत्मसिद्धि यानी अपने ऊपर पूरा कंट्रोल होता है, ठीक, और जब कंट्रोल नहीं मिलता या कंट्रोल किसी और के हाथ में होता है तो हमें चिड़चिड़ापन लगता है, हमें बुरा लगता है, ऐसा कैसे हो रहा है कि हमारे जिंदगी का कंट्रोल या हमारे लाइफ का कंट्रोल किसी और के हाथ में, तो आत्मसिद्धि नहीं हो पाती, तो हमारी नीड यानी हमारा जो डिमांड है पूरा नहीं होता, तो हमें गुस्सा करता है, फिर कहते हैं जिंदगी झंडबाज, ठीक। तो क्या है ये, यानी आत्मसिद्धि की आवश्यकता बहुत जरूरी है, समझ गए। तो ये क्या था, ये हमारे सिद्धांत, ठीक। नेक्स्ट अगर लास्ट टॉपिक बात करें तो अभी प्रेरणा के स्रोत कौन कौन से स्रोत हैं जो हमें मोटिवेशन की तरफ ले जाते हैं, स्रोत क्या है, सोर्सेस क्या है, स्रोत कौन कौन से हैं। तो स्रोत हैं, पहला आवश्यकता, यानी आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है, ठीक है, आवश्यकता। दूसरा चालक, चालक यानी चालक की तरफ आगे बढ़ाता है। तीसरा उद्दीपक और चौथा प्रेरक, ठीक है। आवश्यकता यानी जो अगर हम काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो किसके लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है, या तो नौकरी के लिए, पैसे के लिए या सम्मान के लिए, पैसा या सम्मान, ठीक है, ये हमारी क्या है, आवश्यकता है। चालक क्या है, चालक है ना, या तो हम टीचर बनेंगे, ठीक है, सरकारी टीचर, गवर्नमेंट टीचर, प्राइवेट टीचर, ठीक। उद्दीपक क्या है हमारा, सुपर टेट, यूपी टेट, सी टेट, भाई
उद्दीपक क्या है, यही देख के तो हम लोग पढ़ते हैं, इसी को देख के तो हम समझते हैं कि हमें करना क्या है। ठीक, इसी के लिए हमें समझते हैं हमें टीचर बनना है, चालक क्या है टीचर, और टीचर क्यों बनते हैं पैसा या सम्मान के लिए। अगर तीनों चीज मिल जाए तो हम प्रेरक हो जाते हैं। ठीक है, तीनों अगर हो जाए, तीनों हमारा काम कर जाए तो हम सेटिस्फाई हो जाते हैं, सह देते हैं भैया अब तो हो गया, अब तो हम मोटिवेट हो गए, अब तो पीसीएस ले वो भी दे देंगे, वो भी पास करेंगे। ओके, तो आवश्यकता चेंज, चालक चेंज, उद्दीपक चेंज, हम नया वापस से फिर मोटिवेट होकर नया काम करना शुरू कर देते हैं। ठीक, तो ये था मोटिवेशन, कैसा लगा जरूर बताइएगा। पूरा का पूरा चैप्टर एक वीडियो में है मोटिवेशन से, और इस जितने क्वेश्चन आते हैं सब यहीं से आते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना है। जीवन कौशल के लिए जब कौशल में मोटिवेशन पढ़ाए तो उसमें से कौशल भी कौन कौन से कौशल है जो मोटिवेशन पढ़ाता है, तो सुपर टेट क्लास में इसको भी आगे बढ़ाएंगे जब सुपर टेट क्लास है। अभी हम लोग सीटेट और यूपी टेट के लिए क्लासेस चला रहे हैं। ओके, तो आज के लिए इतना है, धन्यवाद, नमस्कार। और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, लाइक मोटिवेट करता है।